सुनिया ज्ञान नहीं हाजिर हो नहीं पता लगा फिर दसदा गुरु तो बिना जिहड़ियां सुनिया हुई गल्लां ने कोई इथों कोई इथों कोई इथों वह ज्ञान नहीं आ पिछला पक्का बंद करोगे जरा वो ज्ञान नहीं चंगी तरह नोट करो गुरु तो बिना जिन्या भी तुसी गल्लां सुनिया ने मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा ना गुर बिन ज्ञान गुरु तो बिना
क्यों तुसी कितने सुनिया है। कल किसी गुरुद्वारे दे विच कोई ग्रंथ प्यासी धार्मिक मेरे नाल दे सिंह ने पुछया गुरुद्वारे जगह की काम आखो वाहेगुरु कुछ ही बोलो जिन्ना उच्ची बोलोगे उन्ना भज्जा फिरदा मन टिक जूगा क्योंकि एनर्जी इधर लग जूगी जिहड़ी एनर्जी बाहर खड़ी वो इत्थे लग जूगी पता लग रहा पुत्तां नूं गुरबिन भज्जा फिरदा है ना तां करके मुंह च होर निकल गया है वो भी तुक गुरबाणी दी गुरबिन ज्ञान बोलो जी भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए गुरु तो बिना किसी नूं कदी बड़ा चुकी फिरदे जे लोकी ते जो कुछ कित्यों सुनिया है गुरु तो बिना कित्यों सुनिया है वो ज्ञान नहीं जे अज तो पल्ले बन लियो गल्लां हो सकदियां ज्ञान नहीं अगे भेजो ना बलवंत सिंह उत्ते आखो ए गुरु ये शब्द विच बड़ा जोर लाना पैना तुहानू गुरबिन बस इत्थे खलो जाओ एक गल ते फुल स्टॉप ला लो भी ज्ञान गुरु तो बिना कितने नहीं मिलता गुरपुरा पिटियोवट पागी मन दी अनेरी कोठड़ी च मन दी प्रकाश उन्ना चिर नहीं होना जिन्ना चिर जे एक गुरु की गुरु की सिख ना सुनी सिख मीन की सिख तो नहीं सिख मीन सिख्या वो मत जिहड़ी गुरु तो सुनी उहदे विच की आ रतन ने जवाहर ने माणक ने पता लगा पुत हुण मत विच कित्थों सुनी गुर की सिख सुनी गुरु की सिख्या सुनी ते उहदे विच की मिलणगे रतन जवाहर माणक मिलणगे ना दुनिया दे लोको टेंट जिथे लगा हुए उत्थे जाके बह जा करो दाड़े लैके पगां बन के जिथे मेरे साहब गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं वह संगत नहीं गी एक गल नोट करो हर जगह ते चार बंदे कट्ठे होके कहने संगत है संगत नहीं गी जय सतगुर बोलो हम जय तय सत संगत बनाई एक तरह गुरबाणी च लिखिया जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आ ओनू सत संगत कहिंदे भैनों सुन लिया जे दो दो चार दो दो चार चार प्राणी कट्ठे होके सिमरन करते बंदगी करते ना कुछ ना करना जी सिमरन करते बंदगी करते मुबारक है आखो वाहेगुरु संगत तो उत्थे बनती जिथे गुरु साहब का प्रकाश है मैं नहीं कहता अतो चंगी तरह चितो जय सतगुर बोलो तय सत संगत बनाई विच संगत हर प्रभ जिदे विच परमेश्वर का वासा है जिथे गुरु बैठा है अरदास जिदे अगे हुंदी जिदा हुक्मनामा आउंदा ओनू की कहिंदे सत संगत जिथे गुरु नहीं बोल रहा तो एक बंदा बोल रहा है आखो वाहेगुरु आप गुरु की हजूरी च बोल रहे हैं गुरमुखा ने कथा की गुरु की हजूरी च की हुण तुहाडा चौंकीदार कर रहा है गुरु की हजूरी च की सतगुर पातशाह जी कहिंदे गुरबिन ज्ञान ज्ञान अंजन ज्ञान का सुरमा गुरु ने अखां विच पाया ते कमाल दी गल इन्ना कमाल दा सुरमा है अज्ञान अंधेर विनाश अनेरा ओ निंगा जिहड़ा गली विचों बत्ती चल जाए ते अनेरा ओ अनेरा निंगा आखो वाहेगुरु ओदा अल्टीमेट तुहाडे कोल फोन दी बत्ती हैगी हैगी कि नहीं बत्ती चलेगी तुसीं फोन दी बत्ती जगा ली ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਨੇਟ ਹੈ ਮਗਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਲਟੀਨੇਟ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
कोई नहीं है, पता लगे थे कि तुरी है केसरी तुम अगे तुरी है। गुरबिन ज्ञान ते अगे दूसरा शब्द है धर्म बिन ध्यान। हाजरो जी धर्मी नहीं अखा मीटता है, नहीं पता लगा पुत बंदा धर्मी नहीं ते अखा मीटता है। कल मेरे नाल जहाज में परसों एक पतंगी आया तेरी उम्र का अखरेग, वो मैं कहता मैं दरबार साहब वारी नहीं मिली। मैं कह दी कहना मैं समाधि लानी सी उत्थे मैनू अंदर नहीं जानता। मैं तू लानी सी समाधि, वो तो समाधि फिर तेरी समाधि है ना, नहीं पता मैं तेरी समाधि है ना, तेरे ही और ना लगी ना समाधि। वह होंगी जी लाई ना जाए लग जाए भी इतने लग जाए समाधि, वो होंगी जी पले बन लो गे रामपुर वाले कितने हो, तुसी भी चंगी ग्रोथ कर रहे हो, मेरे सतगुरु की कृपा हो जाए थोड़े उत्ते। कभी वह घड़ी आवे जो तुसी समाधि लाओ ना ताड़ी समाधि लग जाए। हुण भी तरला पर हुंगला कि सतगुरु असी लाउणी नहीं तू ला दे। वाहेगुरु 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 जोर बंद करो वाहेगुरु 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 थोड़ा जो भार पाओ हाँ जावे जाने मैं किश करता समाधि मैं लाई समाधि। ते बड़े लोग कहते जे मैं समाधि लाई कहते ना इतना ना दसा सोनी का जा तुसी समझ रहे पुत तिया नहीं तुसी जावे जाने मैं जदों कहिंदा भी मैं समाधि लाई रिजल्ट की है तब लग गर्भ जूनी च पिया मैं दी जूनी च पै गया
मैं नेतनेम कीता, मैं सिमरन कीता, मैं दान कीता, मैं पुन कीता, जावे जाने। सुखमनी साहब पढ़ते हो नहीं, बोलो ना गुरु के सब। अगला रिजल्ट की है फिर, जे मैं आ गया तो रिजल्ट की है तब लग होर थोड़ा जहा वेख्यो। बड़े बड़े संत सिद्धा हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा अपने आप को खोन लग पे ने, मगर जब तारे को बैली मीत। जो सुरत बेटा दो शब्द ने, एक मेरा मित्र है, एक मेरा कुछ बोलिया करो, एक ते मेरा मित्र है, एक मेरा मेरा बाबा कहिंदा जे दो शब्दों में फिर रहे ना ते तू जिन्ना मर्जी लोगों को कहे मेरा मन एकाग्र है, मैनू पता है भी तू एकाग्र नहीं, तब लग ने चल नाही तेरा चित एवं चक्कर च पिया, पता लगा जी। तू जिन्ना मर्जी लोगों को कहिंदा रहे भी मेरा मन टिक गया है, टिके हुए मन की यह कहानी है, अवर न पेखे एक सबिन कोई, दूसरा नहीं आता कोई, एको है भाई सहब मेरा। किंती ते कुंचर अस्थूला, फिर कीड़ी वखरी नहीं दिसनी, हाथी वखरा नहीं दिसना, एक कला होर दिसनी आ, जड़ी कीड़ी च भी चल रही ते हाथ भी चल रही, ना हाथी वेख्या ना कीड़ी वेखी, जड़ी विच कला चल रही ओ वेखी। मन एकाग्र हो, नहीं पता लगा जड़ी विच, जिहदे करके हाथी तुर रहा है उस कला दे दर्शन कीते, जिहदे करके कीड़ी रेंग रही उस कला दे दर्शन कीते, उदन समझ ली मन एकाग्र हो गया। तब लग नेचल नाही, होर तेरा दे लग सदा करके बेटो सोहनी तरह। जब लग मोह मगन संग माए, बोलो भला मैं बहुत सारिया धिया जानता जड़िया पांच पांच सुखमनी साहब का पाठ दिहाड़ी च कर दया, कई ग्यारह भी कर लेंगे, मगर जो पुछ के वेखो सुखमनी साहब लिखिया की है, क्या पढ़िए गुनिए गुनिए नहीं, हां गुड़ जाना स्या ना पी ना तार मुक्की देना, क्या पढ़ी है क्या दुनिया क्या वेद पुराना, किन्नी गहरता च जाके बाबे कबीर ने क्या पढ़े सुने, क्या हुई की होया, कोई फर्क पिया नहीं, अगे ना बच कुछ जीवन विच फर्क पिया, पढ़न सुन नाल वेद पुराना दे सुन नाल कोई इस तरह की गल आ गई भी किसी का तेरे पैर ते पैर आ गया ते तू हस के आख्या, कोई गल नहीं वीर जी, आखे कदी कदी इस तरह की सहज अवस्था आ गई, जे किसी ने कौड़ा भी बोलिया ते तू अगों मिठा बोलिया, इस तरह की अवस्था आ गई। पढ़े सुने आप अपने अंदर झाती मारो भी, झाती मारो। राती भी मेरा बापू मैनू जान दिया कहिंदा सी, कहिंदा भी इन्हां पुछते सही भी जो तू क्या इन्हां नू पता लगा है, थोड़े जे विचारो विचारो की इन्ने सुखमनी साहब पढ़ना, क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, ते किन्ना सोहना वचन बड़ी गहरता ना आख्या, पढ़े सुने क्या हुई की होया, जे तू यारा पाठ कर लेंदे ते चुगली ते उसे तरह ही है, निंदा ते बुराइया माड़ा वेखदा भी है माड़ा सुनदा भी है, बेईमानी भी करदा है, हरामखोरी दे पैसे भी खा लेना है, ते बड़ी चौड़ी छाती करके कहना है मैनू जी फलाने महापुरश कह दे ग्यारह पाठ करने, तू ग्यारह छड़ के ग्यारह जन्म सुखमनी साहब पढ़ता रहो, किते ते बांह फड़ौनी पैनी है गुरु नू, करना सुने कहो कि निंदा किसे नू करना पैना, किते ना किते ते बांह फड़ा के कहना कर कृपा मोहे मार्ग पावो, सतगुरु जी मैं तुहानू ग्यारह वार पढ़िया है मैनू राय भी पाओ, ऐसा की है तेरी बाणी पढ़ने नाल ते लोकी पारस हो गए।
आखो वाहेगुरु ताड़ी बाणी पढ़ने नाल जिन्हें जिन्हें ने पढ़ी वो तो पारस हो गए पारस पारस परस बोलो खुल के बोलो लोहा कंचन होई पारस नूं लग्या लोहा भी लग जाए तो भी सोना बन जाता सिखो अपने अंदर झाती मारो आप कदों के सुगमनी ना लगे असि सोने वर्गे हुए साड़ी बिरती उची सुची हुई जिन्हें निंदक अज सिख पंथ दे विच ने अको वाहेगुरु जिन्ना जालीपन साडे विच आ गया है उन्हां लोकां विच जालीपन जांदा जिन्हां दा गुरु पूरा नहीं सी उन्हां विच निंदक हुंदे जिन्हां दा गुरु पूरा नहीं सी उन्हां लोकां दी अख गंदी हुंदी जिन्हां दे गुरु दी अख गंदी साडे गुरु दी अख सुची करदार सुचा अको वाहेगुरु की आख्या अख सुची ते करदार सुचा उच्चे सुचे जीवन का मालिक मेरा गुरु तो वो सिख अज कि खलोते हैं कितों पता लगा सुगमी साहब पढ़ी है मेरे ते असर नहीं होगा मेरी जिंदगी च कोई असर नहीं होगा तो सचमुच अज का दिन गया बहती जात कदे दुष्टांतारत नंघ दी जिंदगी नूं तू बंदिया कदी अखां नाल नहीं वेख्या उम्र जिंदगी दी नंघ गई नदी नंघ गई पानी नंघ गया जो दिन आवे सो दिन अज दा दिन भी चला गया कदी तेनूं ए चेता नहीं करना कूच रहन थिर नाही संग चलत है हम भी चल नहीं तू पढ़िया जिदन महसूस किया इनकलाब आज जिंदगी जिदन तू महसूस करेगा अज गुआंढी के पड़ोसी के जो हुआ आउंदी बाणी बोलो भला पड़ोसी के की होया अज पड़ोसी के घर पड़ोसी के घर अज की होया कोई उठ के चले गया मैं अखां नाल वेख्या चार बंदे चुक के लै गए पड़ोसी के घरों ते मेरा बाबा गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहिंदा तू अपने भी जान तू परवसी के जो हुआ तू अपने भी जान डुबोगे रे बापरे बहु लोगन की कान लोकां वल वेंदिया 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 कदी अपने वल भी वेख अज नहीं ते कल मैं इत्थों तुर जाना है जिदन कदी एक मैसेज तेरी तुर सुरत तक चले गया मैं चल जाना है उदन तो शुरू हो जाऊ वाहेगुरु 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 जुड़ जाओ जुड़ जाओ भागा में जुड़ो गल नूं गुड़ जा अजे ते जो तू पढ़िया है गुरु ने कहा की होया मैनू थोड़ा जा दस कोई तब्दीली आई चल पुछो हाँ अपने आप नूं तू अपनी तां पुछ तुसीं अपने तां पुछो मैं अपने तां पुछदा बंदिया
कोई सैन आए कि तू रब वर्गा हो रहा है, नहीं पता लगा अपने अंदर आवाज। इधर वेखो जी, अपने अंदर आवाज दे के अपने आप नूं पुछ, कोई सैन आए ने, चंगे सैन आए? इतों गड्डी लेके रामपुर नूं तुसीं तरोगे ना ते सैन दसी जाने ने भी किन्ना पेंडा तय हो गया ते किन्ना रह गया। कभी इधर नहीं वेख्या कुछ? रब वल नूं तुरना ना, गोबिंद मिलन की यात्रा कदे नहीं की, गोबिंद नूं मिलन। किन्ने कु मीलां ने कहता वे इन्ने मील तो तुर आया है तेरा करतार उस। तू सचमुच एक गल होर नोट करे, तू जाके कितने नहीं मिलना, तू खुद गोविंद होना है। नहीं पता लगा, तू खुद गोविंद होना है सचमुच। कितने कितने देश ना आया सुनिए, नहीं पता लग रहा कितने वो किस देश जान के नहीं बैठा। रब तीर्थ पास ना बैठा, ना कितने तीर्थ ते चौंकड़ा मार के रब बैठा ही। रब तू होना है, तेनू सारा जीवन यही भुलेखा, मैं रब नू मिलना है, मैं रब नू मिलना है। आखो वाहिगुरु, गुरबाणी बनीए, गुरबाणी इस तरह के बनना पैना है। रब कोई दूसरा परसन नहीं गा, सो प्रभ दूर नहीं। जिन्हू जिन्हू बाणी आती गुरु का सिख, कोई वहां खड़ा करो अगे की, एक मिनट खुलो यार, सो प्रभ खोलो नहीं ना। एक मैं आप जी ने बेनती करा, ये तो मेरा भरा है, गुरबाणी ईरखालू दे हिरदे च नहीं जे वसनी। ना ना, गुरबाणी हंकारी दे हिरदे च नहीं जे वसनी। गुरबाणी ली भांडा शुद्ध चाहिदा, जे दुध फट जांदा है गंदे भांडे च, ये तो सतगुरु की अमृत बाणी है, कितने तुहाडे ते मेरे हिरदे च वस जाए। एक निंदक दे हिरदे चो बाणी कितना उठ पाए, एक करैक्टरलैस करदार तो गवाचे हुए बंदे दे अंदरों बाणी कितना, बाणी उतरे साध जाना। बोलो बोलो, साधु उच्चारण करे बाणी, कोई जुड़ी हुई आत्मा का नाम साधु है, गोल पग का नाम साधु नहीं। जुड़ जाए तो पंड कमीज वाला भी जुड़ जाए, फिर की हों मूह च अमे हो। बोलो ना, तुसी पढ़ के बाणी तुसी सुनो, कि तुहानू इतना लग लिया भी अमृत दे आया जे स्वाद, कदी आया जे स्वाद? जे नहीं आया तो मैं दसना क्यों नहीं आया। अंदर ईरखा दी आग्या, अंदर द्वैत है। सिखा तू तो उस गुरु का सिख है जिदे चार पुत शहीद करते, मां शहीद करती, प्यो शहीद करता, ते जिदन वेला होया ना माछी वाले दे जंगल च, आखो वाहिगुरु। दुनिया ने आख्या भी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुस्से ढालना, ते एदे हथ विच ते एदी तलवार च ते इन्ना बालिया। आ मैं पहलो पढ़िया, सरबंग करता ते सरबंग हरता, जो पैदा कर सकता ते मार भी सकता। गुरु गोबिंद सिंह साहब सब कुछ कर सकते थे, वेले बुले हुए कमर कसा खोलिया, दीने कांगड़े जाके एक चिट्ठी लिखी जिन्हें जफरनामा कहते। आखो वाहेगुरु, पकड़ रहे हो कि नहीं, मन टेकिया कि नहीं? उत्थे जाके एक चिट्ठी लिख के औरंगजेब नूं कहते, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो उहदे विच चिट्ठी च लिखते औरंगजेब, तेनू भुलेखा है भी मेरे चार पुत तू मारे ने, शहीद किते, मेरी मां नूं मेरे प्यो नूं तू शहीद किता है, तो कौन हुंदा है शहीद करन वाला? सरबंग काले मारे रखे, तैनूं ते इस गल दा ज्ञान नहीं, तू जिम्मेवारी लेके के परेशान होया बैठा है भी मेरे कोलों पाप हो गया, मेरे बंदियां कोलों पाप हो गया, असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र शहीद करते, तू हुण परेशानी विच आ, वेख मैनूं फिर ते तरस आया ही, तू मेरे को दीने कांगड़े आया, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करदा।
आख्या, क्यों आख्या? अंदर बाणी सी ते बाणी दा वासा हो गया सी, अंदर ईरखा नहीं सी नहीं। तुसी भी सुखमनी साहब पढ़ते हो, पढ़ के मुंह तो मैं सुखमनी साहब पढ़ लिया जी। मैं फिर एक बार आप जी बेनती करा, ये सुखमनी साहब जिन्ना चिर तुहाडे अंदर ईरखा है उन्ना चिर ये बाणी तुहाडे अंदर वसनी नहीं। ये वसूगी जिदन तुसी ईरखा तो रहते हो जोगे। तुसी हुण मैनू पुछो, मेरियां धीआं पुछ सकदियां जे शाबाश, ओ बासी किड्डी वड्डी लैण ली भैण मेरी शाबाश। ये मैनू साई ने तुहाडे वी, तुसी किन्ना कु सुन रहे हो? सुणदे दे ते सिर ते आरा फिर गया, जिहड़ा सुन लिया सी ना उहदे सिर ते उहदे बंद बंद कट्टे गए, उहदी खोपरी लत गई। जिहड़ा सुन भी रहा उहनू वसियां आउणियां ने, जिहड़ा बैठा है बदो रुत्ता बैठा है ते सुन रही रहा उहनू की आउणियां वसियां आउणियां। चंगी तरह सुनो, आखो वाहिगुरु। जिन्ना चिर तुहाडे ते मेरे अंदर पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। वचन मैं ये कर रहा सो तुहाडे नाल, आखो वाहिगुरु। जब लग मोह मगन तब लग, उन्हां चिर तुसी बरी नहीं जे, बरी सुन गए नहीं तुहानू नहीं पता भी केस का निपटारा हो जाए। फलाना जी बरी हो गया केस चो। जिन्ना चिर अपने अंदर झाती मारो, अपने अंदर आओ, जे मोह मगन संग माए, जे माया विच सुरत अटकी पई है ते तुसी अजे बरी नहीं होए। एवें चक्कर च ना पियो भी खंडपाठ साहब रखाया ते बरी हो गया। सोने की पालकी चढ़ाती जी गुरुद्वारे, आखो वाहेगुरु। तुहाडे यूपी दा ही सी जिन्हें शीशगंज साहब सोने की पालकी चढ़ाई, जिन्हें बंगला साहब सोने की पालकी चढ़ाई, जिन्हें सोना लाया, जिन्हें सोने के चौर दिते। कोई मिलिया सी रब का प्यारा उन्हू, बाऊ जी आखो वाहेगुरु। बाऊ जी पंडित सी जिन्हें सब कुछ किया, उन्हें हथों फड़ के आख्या, बाबू जी सोने की पालकी सीसगंज साहब की चढ़ गई, बंगला साहब की चढ़ गई, सोने के छब्बे चढ़ गए, सोने के चौर पर तुसी बरी नहीं हो। तुसी कितने भुल ना करो, पीछे तुसी पैसे की रसीद करा कटे ना 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 ना। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राए, किदन बरी होंगे प्रभ कृपा ते बंधन, गुरप्रसाद नानक हों छुटे। जिदन हर कर्म के पिछे जड़ी तेरी हों खलोती आ, ये परे ना ना होई तेनू मुक्ति नहीं मिलनी। पाठ करके तू कहना मैं कीता, कहना एक नहीं बोलो ना जी गुरु के सिखो कि कदी आखे मैं नहीं कीता। जिन्हें चिर दस गवांडना नू दस नहीं लेंदी उन्हें चिर ठंड नहीं पीती। जिन्हें चिर दस दोस्तों तू दस नहीं लेंदा भी मैं सवेरे अज ही मैं मिठा चौंकड़ा मार के मेरा मन वाह वाह ही जुड़िया, की जरूरत सी दसन दी? की जरूरत सी? किन्ने पुछया सी तेनू भी तू दस भी तेरा मन जुड़िया? इहदे पिछे तेरी होमे बोल रही कि मैनू आखण बल्ले बल्ले बल्ले, इहदे वर्गा ते बंदा ही कोई नहीं। वेखो जी इन्हें अद्धी रात उठ के नित नेम कीता नाम जपिया, यह भी छपाउणा फिरना है। सो वैष्णो जिस उपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए कर्म करत हुए। तू ते कर्म दी पानी चुकी फिरना है, अजे पकड़ च नहीं आया। कोई भैन बच्चा हाथ खड़ा करो जिन्हों पता लगे इस गल का, तू ते कर्म दी पानी चुकी फिरना है। चुकी फिरता कि नहीं बोलो, पता है कुछ गुरबाणी बारे? सवेरे नितनेम किया ते उहदी पंड चुक ली सारा दिन, हर एक विखा फिर बोल हिला लग इतना करके पंड दिखा फिर मैं चुकी सवेर का सिमरन किया। कहना ना कर्म करत हुए ने कर्म निकामी नहीं, वो सेवा करते हुए निकामी, इतने कर्म की गल है। तो सवेर का कर्म किया, अमृत वेला संभालिया, तो किन्या लोगों दसिया भाजी अज मैं पांच बाणियां पढ़ लिया, भाजी अज मैं इन्ना कुछ कर लिया। इस वैष्णो का, उस वैष्णो का, वैष्णो मीन साधु,
ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਿੰਜ ਸਾਧੂ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਯੂਟਿਊਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਆਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਖੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 ਵਿਊ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਹੂ ਫਲਕੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਕੋਈ, ਮਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਨਾ, ਸਾਧਾ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਾਧਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ, ਢੀਂਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਖਿੱਚਾ ਸਮਾਂ ਭੱਜਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਾਹੂ ਫਲਕੀ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੰਗੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਢਾਡੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਮਗਰ ਢਾਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚੇਤਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀਏ ਆਵੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡੀ? ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈ ਬੈਠੀ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਲੱਕੀ? ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪੜੋ, ਜੋੜੇ ਝਾੜੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਝਾੜੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸਭ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ। ਸੱਚ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕਿਤਨਾ ਲਾ ਲਏਗਾ? ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਜੋੜ ਲਏਗਾ? ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ। ਹਾਂ ਬਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੋ। ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ,
ते धर्म बिन धर्मी तो बिना धर्म की कमाई कीत्यां तो बिना ध्यान नहीं जो टिकना जो टिका के कितने बैठे हो तो अपने आप नूं धोखा दे रहे हो। चौंकड़ा मारन लई धर्मी होना पहलों जरूरी है। जदों मैं सुरत जोड़ा मेरे अंदर पापां दा शोर ना पवे, मेरा इको ही ध्यान होवे रब विच जुड़ना। रब विच जुड़न लई तुहाडे पाप ते तुहानूं अंदरों बोलणगे, बोलणगे कि नहीं बोलना। अगे तुरा समां ते लंघ गया सर, अंदरले पाप अंदर तू तो पाप किया, तू तो ठगी की, तेरा ध्यान कि तरह जुड़ जू। तीसरा पॉइंट है, दो कहले ने गुर बिन तो धर्म बिन सच बिन साखी। बोलो भला साखी मीन सिख्या, राती दस्या सी साखी मीन सच की है शब्द नहीं पता सच की है शब्द। ए तो बिना देह तो सच्ची कदी कोई नहीं के पता जे भी होगी ना 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 मिथ्या तन धन कुटंब सवाया मिथ्या मैं झूठा तन भी शरीर भी झूठा है, तेरी जेब च पैसा भी झूठा है, तेरे रिश्तेदार भी झूठे। इन्हां दीआं करला गल्लां जिन्नियां मर्जी इहदे विचों तैनूं की मिल जू जदों है ही झूठ। मिथ्या तन धन ते फिर इहदे विचों सच कितना लगूगा। सच बिन साखी इन्ना क थोड़ा जिहा ध्यान दे लो। मैनूं पता है गल बरीक आ, बच्चिआं विचारिआं नूं की पता, कोई गुरमुख रूहां तुहाडे वर्गीआं बुझो दस रहा की तरला पा रहा। सच बिन साखी सच की है गुरु ग्रंथ साहब जी, सिख्या इहदे तों बिना कितें नहीं हैगी। सच तों बिना सच एक शरीर की साखी तुसी सुनदे हो आखो वाहेगुरु। देखा जो बड़िया लोकी सुनाउंदे फलाने ने आ कीती, टिंगरे ने आ कीती, जिहड़ियां राती गल्लां कीतियां बाबा बुढ़ा साहब बारे, वो शरीर नहीं सी रह गया तां उहदी गल कीती सी। बाबा दीप सिंह जी शरीर नहीं सी रह गए, जे शरीर हुंदे ते सिर ते धर वखरिया होया उठ के कितना तुरदा, शरीर नहीं सी। आखो वाहेगुरु की सुनी सी ना शरीर तो ता उठ खलोती सन उत्थे। फिर सच बिन साखी सच की है शब्द, झूठ की है शरीर। ते अहीं जिन्नियां साखियां सुनियां कहदियां सुनियां, बोलो ना हुण टकाने दे चोट वजन लगी, बोलो जिन्नियां साखियां सुनाईयां बाबिआं ने चिमटिआं नाल, किन्हां दीआं सुनाईयां शरीर दीआं सुनाईयां। उह कहिंदे शरीर ते है ही झूठा, ते जे शरीर झूठा ते उहदी साखी वी झूठी। साखी मीन सिख्या, सिख्या की है गुर की बाणी, गुर की साखी अमृत बाणी। बोलो भला गुरु की जो साखी सुननी तो फिर पिता जी कितों सुनीए, कहते एक अंग तो 1430 अंग तक पढ़ एक गुरु की साखी हो, एक गुरु की साखी हो। मगर मेरे समाज विच पंथ विच तां जिन्नियां बाबिआं दीआं साखियां ने आखो वाहेगुरु। जिन मैं नहीं कहिंदा पता नहीं कौन किनू तुसी मानदे हो किहदे नाल तुसी जुड़े हो, जिन्हें शरीर की साखी सुनाई कि फलाने महापुरशां ने इतना किया तुहाडा समा बर्बाद किया है, आखो वाहेगुरु। की आख्या तुहाडा समा केवल ते केवल गुरबान आयो सुनन पढ़न को बाणी। तुसी इत्थे बाणी सुनन ते पढ़न आए हो, ना कि बंदे दीआं गल्लां सुनन आए हो। मगर तुसी समझौता कर ही लिया ना, फिर हर संपर्दा नूं अपना बाबा चंगा लगदा है, आखो वाहेगुरु। समझिआ जे कुछ, जदों अपनी वारी आऊगी ना कम उठ हो गया, जदों किसी होर दी गल आऊगी उदों हाँ 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 ठीक है। जदों असीं वी ते किसी संपर्दा च वड़े ही हाँ, अलीक हैं, अलीक हैं। अलीक दा मतलब जिहदे दुआले कोई ते रब दे दुआले भी कोई, सिखा तेरे दुआले को लग गई। आ थोड़े दिन पहलो मैं चंडीगढ़ सां, आखो वाहेगुरु करके बोलो ना। दोदड़े वाले दा समागम चल रहा सी, दोदड़ा संगत दा, आखो वाहेगुरु। इत्थे भी आ गई कोई गल नहीं, मुबारक आखो वाहेगुरु। उन्हां दा समागम चल रहा, एक होर सिख बड़ा सोहना दमाला बद्दा
मैं ना नहीं लींदा आखो वाहेगुरु। मैं उन्होंने पूछा जी तुसी नहीं गए उत्थे किन्ना सोहना वाहेगुरु का जाप हो रहा, कहिंदे दोदड़े वालिआं दा वाहेगुरु पता नहीं लगा। दोदड़े वालिआं दे मूंह चों निकलिआ ते वाहेगुरु वंड लिया। असली वाहेगुरु वो जिहड़ा असी कहिंदे आ। सिखा कित्थे खलोता है तू? अलीक वाहेगुरु अलीक है, निरशरीक है, तेरे ते सरीके ही बड़े ने, तेरी ते रब ना नुहार ही नहीं मिलती। रब दी नुहार उन्हां ना मिलती है जिन्हां दा कोई शरीका नहीं, जिन्हां दी कोई जथेबंदी नहीं, जिन्हां दा कोई जथा नहीं, जिन्हां दी कोई संपर्दा नहीं, जिहड़े एक पिता एक प्यो दी औलाद ने। तू सांझा साहिब बाप हमारा, सारिआं दा सांझा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जिहड़े सिख उस मालिक नूं मन्नदे ने ओह गुरु दे सिख ने। की ने? गुरु दे सिख। मगर असी ते गुरु के सिखा वेख जाप साहब नूं कदी पढ़ के वेख उहदे विच किन्ने किन्ने मोती पुरोए ने। आ जिन्ने फुल रखे जे असली कि नकली है दसो। इतना बैठो, इतना बैठो, बैठो थोड़ा चलो, दस मिनट रह गए। हाथ जोड़ के बेनती है, मैनू दे दो दस मिनट अपनी जिंदगी दे। आ जिन्ने फुल रखे जे गुरु, जे कोई तुहाडे घर संत आवे, महात्मा आवे, किसे डेरे दा आ गुलदस्ता दोगे उन्हू, तुहाडी आत्मा मन जूगी? कमाल दी कहानी, बाबा नकली ते फुल असली। ना हसो ना रो अपनी किस्मत ते, अपनी किस्मत ते रो भी मेरे पंथ विच एहो जी सोच पैदा हो चुकी है। नकलियां दी पूजा, माथे तिलक लोकन राम उत्थे किल गया, तोरू ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन निफल सेवा। मैं नहीं पत्तियां तोड़नियां, मैं नहीं फुल तोड़ने। मैनू पता लग गया भी इको ही भगती आ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, खोल के बोलो। हां शब्द नूं पढ़े। माथे तिलक अर्थ की? तुसीं रिवर्स कर लईआं गड्डियां, सिख टिक्के लाउण लग पए। बोलो भी आ तुसीं वेखे नहीं नवें नवें हुण गल च माला पाईआं, इत्थे टिक्के लाए, वेखे नहीं जे? आखो वाहिगुरू। माथे तिलक क्या सौखा जे रब न समझ लिया, जरा 2 रुपये का खड़ौना लैके खेड लीदा, इतना तुसी रब न खेड लिया। खड़ौना कदी ढिड नहीं जे भरदा। सारे बच्चे दे कोल किन्ने खड़ौने होण, घर भरिया होवे खड़ौने ना, भुख ते फिर लगदी लगदी कि नहीं? बोलो पुत्तियो, तीआं पुत्तां वाले हो, दुध ते मां कोलों फिर भी मंगदा है। ये खेखन करन वाले, पखंड करन वाले लोको, नाम दा दुध तो फिर भी तुहानू मनना पैना है, नाम तो तुहानू जपना ही पैना है। नाम तो बिना भुख नहीं लथनी, नाम नाल ते जुड़ना ही पैना है। आखो वाहिगुरू। ये जिहड़े फुल ने, मैं भी अज गुलदस्ता चढ़ाया, आ नोट करियो हुण की कीता। तो मैं पुछया किनू गुलदस्ते नूं गुलदस्ता? नहीं की एक ही है गुलदस्ता है। गुलदस्ते दे विच एक तरह दे फुल नहीं होंदे,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਖੜਿਆ ਜੇ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਰੀਡ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਕਲੀ 'ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਅਸਲੀ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਫੁੱਲ? ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਬਸ। ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਪੀ ਆ। ਆਉਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਨਾਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਆ ਬਨਾਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਈ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਖਿੜਿਆ, ਕਿੱਥੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਫੇਟੀ ਦੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਜੇ ਫੁੱਲ। ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਏਕ ਪਿਤਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਹ ਜਾਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸਿੱਖਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪਵਾੜਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋ ਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛਾਉਂਡੀ ਹੋਏ ਲਾ, ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਵਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡਿਅਨ ਕੋ ਪਛਵਾਰਨਾ, ਮੋ ਕੋ ਤਾਰ ਲੇ ਰਮਾ ਤਾਰ ਲੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚ? ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਅਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਆਏ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬੇਣੀ ਜੀ ਸਦਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਤਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੜਾਉਣੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜ ਜਾਓ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਅਦ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਕਿ ਐਂ ਝੂਮਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਸਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੁਰਦਸਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਬੋਲੋ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਿਤੋ ਜੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਿਨੀ ਮੁੱਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਛਕਨ ਹੈ ਛਕਨ ਹੈ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਛਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗਵਨ ਮਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਊਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮਨੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, 2-4 ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਵੇ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨ, ਸੱਚ ਬਿਨ ਤੇ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣੂ ਚੱਲੇ, ਮਾਣੂ ਘੱਲੇ ਉੱਠੀ ਚੱਲੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲੇ। ਸਾਧ ਬਣੇ ਸਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਬਾਣੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 8:45 ਤੋਂ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7:45 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਭਰ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।